गाइज, ऑल अबाउट एग्जाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी रिजल्ट जो आने वाला था, रिजल्ट कैंसिल हो गया। आप सब जानते हैं कि रिजल्ट कैंसिल हो गया, तो इसी बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में पूर्ण तरह से देखेंगे कि वर्तमान में जो एसटीईटी को लेकर के क्या चल रहा है, एसटीईटी को लेकर के बिहार बोर्ड यानी बीएससीबी क्या कर रहा है, हाईकोर्ट यानी एससी क्या कर रहा है, साथ ही साथ देखेंगे कि छात्रों का विचार क्या है, छात्र क्या कर रहे हैं इसको लेकर के, साथ ही देखेंगे छात्र संघ इस पर अभी क्या विचार कर रहे हैं, छात्र संघ के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, छात्र संघ इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, छात्र संघ क्या कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, पॉलिटिशियन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉलिटिशियन क्या करें, जैसे कि हाल ही में पप्पू यादव ने एसटीईटी पे लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। तो इस पर हम लोग इस तरह के सारे बातों को हम लोग इसमें देखने काम करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या है। चूँकि हम सब जानते हैं कि एसटीईटी की परीक्षा, एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी फरवरी मंथ में हुआ था, फिर इसका रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट का डेट हम बात करें, रिजल्ट आने वाला था, साथ ही हाईकोर्ट भी इस पे 22 मई को सुनवाई करने का डेट रखा था, 22/5 को सुनवाई करने का डेट रखा था, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा 16 मई के दिन इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने का डेट आया। ये कैंसिल करने का डेट बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ा एक तरह का धोखा कहा जा सकता है छात्रों के साथ, क्योंकि चूँकि आप एग्ज़ाम का एक तरह आंसर की जारी कर दिया गया था, कट ऑफ भी जारी कर दिया गया था, उसके बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, इसको लेकर के छात्रों के मन में बहुत ज़्यादा एक तरह का आक्रोश हुआ। छात्र बहुत ज़्यादा परेशान थे पहले से इस एग्ज़ाम को लेकर के, फिर परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। और बिहार बोर्ड की तरफ से यह कहा गया था कि एग्ज़ाम कई जगह धांधली के मामले आए थे, लेकिन धांधली की बात करें तो 3-4 जगह से धांधली के मामले आए थे, जहाँ पर री एग्ज़ाम भी हुए, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, पूरी तरह से एग्ज़ाम को कैंसिल 16 मई को कर दिया गया था, जिसको लेकर के फिर मामला यह हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में इस पे 1 और 2 जून को सुनवाई भी हुआ था। फिर अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या आगे होने वाला है, क्या आगे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक महत्वपूर्ण सूचना, जो वो सूचना है कि 17 जून के दिन छात्र संघ के द्वारा, 17 जून, आप ध्यान रखिए ये डेट इम्पॉर्टेंट डेट है, 17 जून के दिन जो भी छात्र बिहार एसटीईटी के एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए तत्पर है, रिजल्ट चाहते हैं, वो 17 जून के दिन वो बिहार बोर्ड के पास धरना करने का डेट रखा गया है। ये छात्र संघ के द्वारा रखा गया है। इसके पहले भी आप देखें तो 5 से 6 दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन फिर से 17 जून, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 15 जून तक बिहार में लॉकडाउन है, जिसके कारण परिचालन या ये सब अर्थ अव्यवस्था भी पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है, जिसके कारण 17 जून के दिन फिर से धरना प्रदर्शन बिहार बोर्ड के आगे डेट रखा गया है धरना करने का। तो जो भी छात्र बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम को रिजल्ट लेकर तत्पर है कि रिजल्ट चाहिए, अगर वो रिजल्ट के लिए अगर इच्छुक हैं कि रिजल्ट को घोषित किया जाए, तो वे छात्र इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये उन तमाम छात्रों के पास पहुंच पाए जो या तो पटना में है, आसपास है और वहाँ पर जा सके। सपोज़ आप नहीं जा पाए, आप दूर हैं, तो कम से कम उनके पास पहुँचे जो वहाँ आसपास में है और वे पहुँच पाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। आगे हम लोग देख रहे हैं इस धरना प्रदर्शन की 2-3 मुख्य बातें हैं, वो मैं बता रहा हूँ। इस धरना प्रदर्शन में छात्र का मांग क्या रहेगा, छात्र की मांग रहेगी जांच, एग्ज़ाम की जांच के लिए। छात्र की मांग यह भी रहेगी कि किस जो नेता है, कौन से लीडर के चलते या कौन से ऑफिसर को बचाने के लिए ये सरकार ऐसा कर रही है, एग्ज़ाम को कैंसिल करने का डिसीजन लिया। साथ ही क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट के डिसीजन का जो सामना नहीं कर पा रहा है, हाईकोर्ट के जो डिसीजन आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। जो बीएससीबी बोर्ड है वो उससे सरकार उससे बचने का प्रयास कर रही है। साथ ही छात्रों का यह भी मांग रहेगा 17 जून के दिन यहाँ पे कि जो आनंद किशोर है, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, आनंद किशोर को पद से हटाया जाए, यह भी मांग रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 16 मई के दिन एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, चूँकि 22 मई को यहाँ पे हाईकोर्ट का फैसला आना था, उसके पहले ही ये सब कैंसिल कर दिया गया। अर्थात अंदर भीतर यहाँ पे कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं से धांधली हुआ है, जिसके चलते ये सरकार बचने के लिए यह कदम उठा रही है, कैंसिल करने का निर्णय ली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे यहाँ पे ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए छात्र यहाँ पे बीएससीबी
बोर्ड के आगे, बीएसईबी जो बोर्ड है वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं 17 जून को। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही मैं बता दूं कि अभी हाल ही में पप्पू यादव जो नेता हैं, लीडर हैं, उनके द्वारा भी इसकी मांग की गई यहाँ पे सीबीआई जांच। जैसे उन पिछले बार उन्होंने दरोगा में सीबीआई की जांच की मांग की थी, उसी तरह वो हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एसटीटी के छात्रों के साथ खड़ा रहने का काम किया। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप जहाँ भी हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर सपोज आप पटना में हैं, पटना से आसपास हैं, तो ज़रूर आप 17 जून को, याद रखिए डेट सब, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, 17/6 यानी 17 जून के दिन आप ज़रूर बीएसईबी बोर्ड की तरफ जाइए, क्योंकि 17 जून के दिन बहुत सारे छात्र यहाँ पे आ रहे हैं। आपको भी यहाँ पे आना जरूरी है। अगर सपोज आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन छात्रों के पास पहुँच पाए जो नज़दीक में है, जिन्हें पता नहीं लगा है और उन्हें पता होना चाहिए, ताकि भारी मात्रा में यहाँ पे 17 जून के दिन पहुँच पाए और रिजल्ट की मांग की जाए। और रिजल्ट की प्रस्ताव को ऐसे रखें हम लोग कि रिजल्ट जल्द ही बीएसईबी और सरकार यहाँ पे पब्लिश करने का काम करे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगा उसको लेकर के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आता है हम तुरंत आपके पास लेके आएंगे।